8MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद नरसी से कक्षा 12 तक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। विवाहेतर संबंधों को सामाजिक नजरिए से हमेशा गलत माना जाता है। इसकी वजह है कि इन संबंधों को ना तो कभी सामाजिक मान्यता मिलती है और ना ही कभी इनका अंत सुखद होता है। अक्सर ऐसे मामले पूरे परिवार के विनाश का कारण बन जाते हैं। अब ऐसा एक मामला यूपी के बहराइच जिले से सामने आया है। यहां पर एक अधेड़ ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के बाहों में देखकर आपा खो दिया। गुस्से से भरे पति ने बांके से पत्नी और उसके प्रेमी दोनों पर ताबड़तोड़ प्रहार कर घायल कर दिया। प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल भेजी गई है। पुलिस ने हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस मामले को लेकर बहराइच के ASP नगर कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने क्या कहा। ककरा निवादा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का एक गांव है, जिसमें कि सुरेंद्र यादव जो कि 40 वर्ष के हैं, इनकी पत्नी थी, जिनसे उसी गांव के लल्लू यादव जो कि सुबेदार यादव का लड़का था उससे कुछ दोस्ती थी, और सुरेंद्र यादव ने उसको कल रात्र में आपत्तिजनक अवस्था में इन लोगों को देख लिया और सुरेंद्र यादव ने धारदार हथियार से मार करके लल्लू यादव की हत्या कर दी। सुरेंद्र यादव की गिरफ्तारी की जा चुकी है, उसकी निशानदेही पे आला कत्ल की बरामदगी हो रही है और लल्लू यादव की लाश का पोस्टमार्टम और पंचनामा कार्रवाई कराई जा रही है। FIR दर्ज कर ली गई है और शेष आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। ये मामला बहराइच के कोतवाली देहात इलाके में स्थित ककरा निवादा गांव का है। यहां के 35 वर्षीय लल्लू यादव का उसी गांव में रहने वाले सुरेंद्र यादव की पत्नी 32 वर्षीय सुशीला के साथ प्रेम प्रसंग था। इसी सिलसिले में प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। किसी तरह से प्रेमिका के पति सुरेंद्र यादव को इसकी भनक लग गई। इसके बाद घर पहुंचे पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक दशा में देखा तो आपा खोकर पत्नी और उसके प्रेमी को बांके के प्रहारों से लहूलुहान कर दिया। रात करीब 12 बजे हुई इस घटना में प्रेमी लल्लू यादव को मौत के घाट उतारने और पत्नी को गंभीर रूप से घायल करने के बाद सुरेंद्र मौके से भाग गया। आस पड़ोस वालों को इस घटना की जानकारी सुबह हुई तो समूचे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को PM के लिए भेजते हुए घायल सुशीला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। हत्यारोपी सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट iIndia। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज विजय लक्ष्मी नगर सीतापुर क्रिएट्स हिस्ट्री अगेन। आवर इंटरमीडिएट टॉपर वेंकटेश मौर्या गॉट फर्स्ट रैंक इन सिटी एंड 9th रैंक इन डिस्ट्रिक्ट। आवर हाई स्कूल टॉपर इजरा आजमी गॉट 3rd रैंक इन सिटी। आर 3 स्टूडेंट्स अंकित कुमार विश्वकर्मा, हिमांशु मिश्रा एंड विकास आनंद गौतम गॉट सेलेक्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2023-2024। Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए iIndia।